हवाले से बड़ी खबर, नीतीश ने सरकार में बड़ा पद मांगा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने यह कहा कि लोगों का समर्थन मोदी जी के साथ है, मैं एनडीए का हिस्सा हूं। दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है कि बड़ा पद की मांग की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नीतीश ने सरकार में बड़ा पद मांगा है। एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि परिवहन मंत्रालय जैसा कोई बड़ा पद डिमांड की गई है नीतीश कुमार की ओर से। नीतीश ने सरकार में बड़ा पद मांगा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यानी कि वही बात जिसकी उम्मीद थी, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि अब इन घटक दलों की ओर से मनमाने मंत्रालय, मनमाना पद मांगा जाएगा, ये दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को इन घटक दलों की जरूरत है। सरकार बनाने के लिए इन घटक दलों की जरूरत है। बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं है, एनडीए बहुमत में है। ऐसे में एनडीए के तमाम घटक दल अब अपने अपने हिसाब से पद की डिमांड करेंगे। नीतीश कुमार ने अपनी बात रख दी है, उन्हें बड़ा पद चाहिए। इससे पहले खबर आई थी कि नीतीश कुमार और साथ ही टीडीपी दोनों की ओर से लोकसभा में स्पीकर की डिमांड की गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि बहुत बड़ा पद मांगा गया है नीतीश कुमार की ओर से सरकार में बने रहने के लिए, एनडीए का समर्थन करने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार में बहुत बड़े पद की डिमांड की गई है नीतीश कुमार की ओर से। यह खबर सूत्रों के हवाले से है, वो कौन सा पद है, कौन सा मंत्रालय है जिसकी डिमांड की गई है नीतीश कुमार की ओर से, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कयासों का दौर भी चल रहा है। पहले यह कहा जा रहा था, देखिए एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, मोदी को चुन लिया गया, संसदीय दल का नेता मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है। यानी कि मोदी ही अब जाएंगे, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और जब उन्हें बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए तो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ही तीसरी बार शपथ लेंगे। तो एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज एनडीए की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी की आवाज पर, उसके बाद ये खबरें आ रही है। बहुत ही तेजी के साथ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएम आवास के बाहर से ही। पवन, और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? पवन, दोनों ही मसलों पर बताएं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा पद उन्होंने डिमांड रखी है, बहुत बड़े पद की डिमांड रखी है, आखिर वो कौन सा पद है, कौन सा मंत्रालय है जिसकी डिमांड रखी गई है? पहले एक खबर आ रही थी कि जेडीयू और टीडीपी दोनों की ही निगाहें लोकसभा स्पीकर पोस्ट पर है। टीडीपी इससे पहले जब एनडीए का हिस्सा थी और एनडीए की सरकार थी, तब टीडीपी की ओर से एक लोकसभा स्पीकर रह चुका है पहले इतिहास में। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा? क्या बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद अपने घटक दलों में से किसी एक को देने के लिए तैयार होगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से कौन सा बहुत बड़ा पद रखा गया है डिमांड के तौर पर, यह क्लियर नहीं। राष्ट्रपति ने 7 जून को शाम 5 बजे मिलने को बुलाया है, बड़ी खबर। राष्ट्रपति ने 7 जून को एनडीए नेताओं को शाम 5 बजे मिलने को बुलाया है, यानी कि उसी वक्त राष्ट्रपति की ओर से बात रखी जा सकती है और सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जा सकता है। 7 जून को एनडीए नेताओं को राष्ट्रपति ने बुलाया है, शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात होगी। राष्ट्रपति ने शाम 5 बजे बुलाया, इससे पहले शाम में ही, माफ कीजिएगा, इससे पहले 7 जून को ही सुबह 11 बजे मीटिंग की बात हो रही थी, बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग की बात हो रही थी। लेकिन इसी बीच तेजी से घटनाक्रम बढ़ता हुआ, बदलता हुआ दिख रहा है। 7 जून शाम 5 बजे अब राष्ट्रपति ने मिलने के लिए बुलाया है, तो राष्ट्रपति से मुलाकात होगी एनडीए नेताओं की 7 जून को शाम 5 बजे, और संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चुन लिया गया है। इस तरह से मोदी सरकार 3.0 के गठन को लेकर आप कह सकते हैं कि यह कवायद शुरू हो चुकी है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, 2-3 बड़े बड़े सवाल है। पहला तो ये कि नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा पद मांग लिया गया है, वो कौन सा बड़ा पद है? कुछ सुगबगाहट, कुछ खबर आप तक पहुंची हो। दूसरा, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से घटक दल का नेता चुन लिया गया है। देखिए, अभी जो अब से थोड़ी देर पहले जो एनडीए घटक दलों की जो बैठक हुई थी, उसमें से 2-3 चीजें बहुत बड़ी निकलकर बाहर आ रही हैं। पहली बात तो ये
कि सभी गठबंधन के दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। और तीसरी बात यह कि अब जो सरकार गठन की जो प्रक्रिया होगी उसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए के घटक दलों के सहयोगियों के साथ बारी बारी से अपनी चर्चा करेंगे। जो निगोशिएशंस होंगे, चाहे वो जेडीयू की बात करें, टीडीपी की बात करें, या चिराग पासवान की बात करें, या आरएलडी की बात करें, किस पार्टी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, उसमें कितने कैबिनेट पद होंगे, उसके अलावा कितने राज्यमंत्री के पद होंगे, किस पार्टी को और क्या क्या दिया जा सकता है, उन सब विषयों को लेकर अलग से ये तीन जो बड़े नेता है बीजेपी के, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, अलग अलग दलों के साथ ये तीन जो नेता है वो बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। लेकिन एक बात तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए के का घटक दलों का ने अपना नेता चुन लिया है। अब 7 जून को सुबह 11 बजे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना जाएगा। उसके बाद में तकरीबन दोपहर को 2 बजे के आसपास एनडीए के सभी सांसदों की संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उसके बाद में एनडीए का सर्वसम्मति से उनको नेता चुना जाएगा। और उस बैठक के बाद में सीधे तकरीबन 5 बजे से 7 बजे के बीच का टाइम दिया गया है तमाम नेताओं को, वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति भवन जाकर वहां अपना जो सरकार बनाने का दावा है उसको पेश किया जाएगा, अपना जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। और 8 तारीख की जो तारीख निकल कर आ रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे, फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। तो ऐसे में अगर आज की बैठक की बात करें तो ये तीन बड़ी जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं कि तीन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत करने के लिए, उनके साथ नेगोशिएशंस करने के लिए, प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है, और वहीं जो है सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं पवन गौड़ सूत्रों के हवाले से, एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी जानकारी है। नीतीश ने सरकार में एक बड़ा पद मान लिया है, सरकार में बहुत बड़ा पद मांगा है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। पवन गौड़ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब इसे कैसे देखा जाए पवन गौड़, क्योंकि इसके सुगबुगाहट, इसका अंदेशा तो पहले से ही था, अब कुछ चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से, क्योंकि अब बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो उनकी मजबूरी है गठबंधन के सहयोगियों के साथ सरकार चलाने की, तो इसमें नेगोशिएशन थोड़ी सी हार्ड करनी पड़ेंगी, बार्गेनिंग जो होगी थोड़ी सी हार्ड करनी पड़ेगी। अब तक क्या था कि जो बीजेपी की शर्तों पर सारे गठबंधन के सहयोगी जो हैं वो गठबंधन में शामिल होते थे, उसी के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में सीट दी जाती थी, उनके हिसाब से उनको एकोमोडेट अलग अलग जगह पर किया जाता था। लेकिन अब यहां जो है गठबंधन के सहयोगियों में भी उनको पता है कि बिना सहयोगियों के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, तो ऐसे में गठबंधन के सहयोगी भी जो हैं वो अपनी हार्ड बार्गेनिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट बर्थ मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा राज्यमंत्री के पद मांगे जाएंगे। इन सब बातों को लेकर चर्चा होगी, इन सब बातों को लेकर बहुत सारी जो निगोशिएशन है वो सामने आएंगे। तो ये काफी सारी चीजें जो है अब से कुछ